ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त हैं और पानी हो रही है। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है यात्रा बॉक्स में। फेमस अम्यूजमेंट पार्क है। सबसे ज़्यादा जो बेस्ट चीज़ है वो है यहाँ का रोलर कोस्टर, जो सीधे जाता है लेकिन वो पीछे रिवर्स में आता हुआ आपको पूरा कोस्टर करता है। तो वो होगा एक फ्रिलिस पार्क, वाटर पार्क भी है, राइड्स भी है। तो वी विल सी कि कैसा लगने वाला है। सो कंटिन्यू विद मी टू सी व्हाट एवर वी हैव। सो ये गाइस, हम लोग आ गए हैं द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस अम्यूजमेंट पार्क वंडरला। ये है यहाँ का अमेजिंग रिकॉइल रोलर कोस्टर, जो कि बहुत ही थ्रिलिंग और एडवेंचर एक्सपीरियंस था हम लोगों के लिए। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे लाइक वेटिंग में लगे रहे और तब जाके हमारा नंबर आया। बट बहुत अच्छा है और सबसे बेस्ट पार्ट यही है यहाँ का। तो हर कोई यहाँ वेट कर ही लेता है क्योंकि जो एक्सपीरियंस है दैट इज़ इनक्रेडिबल एवर। सो वेन एवर आप प्लान कर रहे हैं हैदराबाद में इस अम्यूजमेंट पार्क में, तो ज़रूर आइए और ये राइड ज़रूर इंजॉय कीजिए। हमारे रोलर कोस्टर की राइड हमने 2 पार्ट्स में की। हम 4 लोग गए थे और 1 कपल एक बार और नेक्स्ट हम लोग गए, और 2 पार्ट में करने का फ़ायदा हुआ। हम लोगों ने शूट भी कर लिया और एक्सपीरियंस भी देख लिया कि कैसा लगने वाला है। बट बहुत ज़्यादा ही थ्रिल था। ऑल दो आई एम एडवेंचरस पर्सन, बट बहुत ज़्यादा डर लगा जब वो ऊपर से नीचे पूरा रिवर्स में आपको घुमाते हैं। बट ऑब्वियसली डर लगेगा तभी मज़ा आएगा, और 110% जस्ट ट्राई इट आउट। इट इज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस यू कैन हैव इन हैदराबाद इन दिस अमेजिंग अम्यूजमेंट पार्क वर्ल्ड। हमने सबसे ज़्यादा जो एक बड़ी मिस्टेक कर दी वो ये थी कि हमने टाइमिंग गलत चूज़ किया। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ही ऑप्शंस होते हैं इंजॉय करने के लिए, तो मेक श्योर कि आप अर्ली मॉर्निंग निकलें और फटाफट पहुँच जाएँ 10 बजे 11 बजे, ताकि पहले पार्ट में आप लाइक मॉर्निंग से नून टाइम में आप वाटर पार्क इंजॉय कर सकते हैं, एंड देन आफ्टर लाइक 2 बजे 3 बजे के बाद आप राइड्स को इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्ट बहुत अच्छे हैं। और हम लोगों ने लेट जाना लाइक प्रेफर कर लिया, और लेट जाने की वजह से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मिस की। हमने थोड़ी देर वाटर पार्क इंजॉय किया और जब क्लोज़ होने लगा पार्क, लाइक 7 क्लोज़ हो जाता है और 6 बजे हमने जाके राइड शुरू किए, तो हमने सिर्फ 2 से 3 राइड्स इंजॉय कर पाए और रेस्ट ऑफ द राइड्स लाइक नहीं हो पाए। तो डेफिनेटली आप जाएंगे तो मेक श्योर फुल डे का प्लान करके जाएँ।
तो पहले आप जाएंगे वाटर पार्क, तो पहले आप अपना स्विमिंग वेयर कॉस्ट्यूम लेकर जा सकते हैं, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जाते ही वहाँ पे स्टार्टिंग में मिल जाते हैं बहुत सारे, और बहुत ही लाइक नॉर्मल प्राइस में मिलते हैं, तो आप आराम से वहाँ से बाय कर सकते हैं या लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले जाएँ वाटर पार्क अपने कॉस्ट्यूम्स में, देन उसके बाद आप आएँ अपने कॉस्ट्यूम चेंज करें और आराम से रिलैक्स होकर आप शाम तक, जब तक आप कर सकते हैं, आप सारी अम्यूजमेंट पार्क में जो भी राइड्स हैं वो इंजॉय कर सकते हैं, और फूड कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर आप खाना पीना खा सकते हैं। लोगों ने तो इंजॉय किया, पर बहुत कुछ करने को था वहाँ पर हम लोग पूरी तरीके से उस जगह को नहीं इंजॉय कर पाए। जैसे कि हमने बताया, हम लोग लेट गए थे तो वहाँ के जो और राइड्स थे वो नहीं कर पाए, क्योंकि क्लोजिंग टाइम है 7 बजे सारे राइड्स बंद हो जाते हैं। तो मॉर्निंग गो फॉर वाटर पार्क एंड नून टाइम टू इवनिंग गो टू अम्यूजमेंट पार्क, देन इट विल बी अ फुल ऑसम डे यू कैन स्पेंड इन दिस वंडरला एट योर बर्थडे, एनिवर्सरी और एनी नॉर्मल डे जिसको आपको बहुत फन और थ्रिलिंग और एडवेंचर बनाना है, तो जस्ट गो फॉर इट। Thank you so much. Please do like, subscribe and share the video to all जो भी हैदराबाद में हैं या आना चाहते हैं या घूमना चाहते हैं, और हैदराबाद से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट जगह हैं जहाँ घूमना चाहिए, वो सारी टूरिस्ट प्लेसेस और फूड और सारी स्पॉट्स हम धीरे धीरे हमारी वीडियोज़ में आपको शेयर करते रहेंगे। सो कीप कंटिन्यू वॉचिंग माई वीडियोज़।